क्वेश्चन नंबर 77 देखो, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं क्वेश्चन मोशन के, 10+2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो चल रही है। आप देखें, आपको स्पीड और टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। आपसे कह रहा है डिस्टेंस बता दो शुरू के 4 सेकेंड में। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है आप बताएं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है? स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो स्पीड टाइम ग्राफ में वो डिस्टेंस को बताएगा। तो शुरुआत के 4 सेकंड की बात चल रही है, तो लगभग ये बनेगा इसका ट्राइंगल, ठीक है? और ये स्पीड टाइम ग्राफ है और आपको स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस निकालनी है। तो स्पीड टाइम का मल्टीप्लीकेशन ग्राफ के अंदर किन्हीं दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता, तो आप इस हैचिंग वाले पार्ट का एरिया निकाल लो, वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा, एरिया। एरिया ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 बेस, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है लगभग 5, देख लो यहाँ से, ठीक है? तो आप इसका निकालेंगे 2 × 4 और 5 × 10, तो डिस्टेंस आ जाएगी 10 मीटर की, ठीक है? होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, ईजी था, बहुत बार इस तरह की क्वेरी आ चुकी है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है स्पीड टाइम ग्राफ पे। थैंक यू।